गाइस वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक सिंह, जहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग का, NJNY मींस न्यूयॉर्क गॉथम FC वर्सेस वॉशिंगटन स्पिरिट के बीच 3:30 बजे। आपको बता दूं कि लोगों को ये मैच बड़ा पसंद आ रहा है, तभी मेरे को आप लोग मैसेज कर रहे हो कि इसकी वीडियो बनाओ, पर आप एक चीज़ भूल रहे हो कि इसी के साथ एक USA का भी मैच है भाई, उस पर ध्यान दे दो, इसके पीछे क्यों पड़े हो आप। ठीक है मैच ठीक है, लेकिन उतना अच्छा थोड़ा है कि जैकपॉट है, हर मैच जैकपॉट नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, USA का मैच अच्छा है, ट्राई टू अवॉइड दिस मैच, लेकिन अगर कर चुके हो इन्वेस्टमेंट फिर तो मेरे भाई खेलना पड़ेगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे भाई सीधा स्ट्राइकिंग पे। क्योंकि चलो स्ट्राइकिंग से पहले एक बता दूं कि दोनों टीम की रैंकिंग बहुत टॉप क्लास है, दोनों मेजर लीग सॉकर के अंदर तीसरी और चौथे नंबर पर रैंक करती है, तीसरे नंबर पर NGO, चौथे नंबर पर WS। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ये दोनों टीमें एक दूसरे पे प्रेशर बनाने को देखेंगी और बहुत आसानी से ये मैच नहीं निकलेगा, ये मैच में भटक्कर है। अगर एक गोल NGO करेगी तो दूसरा गोल WS जरूर करेगी, बहुत लो मार्जिन से मैच जीता जाएगा जो भी टीम जीतेगी। क्लीन शीट लगना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है, किसी भी टीम की, हमारी नहीं है, हमारी तो क्लीन स्वीप की बात नहीं कर रहा मैं, क्लीन शीट की बात कर रहा हूँ। तो आगे चलें तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर मैंने मतलब ठीक है WS की स्ट्राइकिंग शुरू से मैंने तारीफ़ की, मैंने आपको ये भी कहा कि ओ सार चलो इतना अच्छा खेलती है, मैंने सार को हर मैच में लिया, मैंने रॉडमैन को अपनी टीम में हर मैच में लिया। लेकिन मैं आज भी आपको यही बोलूँगा कि आप रॉडमैन को अगर ले रहे हो तो आप ओ सार को नहीं छोड़ सकते, भले ही सिलेक्शन बेसिस पे आप टीम बनाते हो, भले ही आप बिना सिलेक्शन बेसिस के टीम बनाते हो, तब भी आपको इस खिलाड़ी को लेना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है एल विलियम्स NGO की एक ऐसी प्लेयर है जो लास्ट मैच में अनअवेलेबल थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी वापसी अब होगी कि नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टीवंस को यहाँ पर डाला, लिटरली इट्स गुड। उसके बाद ई गोंजालेस के जैसे हमने गोल असिस्ट देखने को मिले, वो भी मेरे लिए थोड़ा नयापन था, लेकिन मैं पहले तो ई स्टीवंस को लूँगा, विलियम्स को भी मैं साइड पे ही रख देता हूँ। ठीक है NGO टीम का अगर गोल आ भी जाता है विलियम्स का, तो ये मत भूलो कि ओ सार भी उसकी रिप्लेसमेंट है, ओ सार भी गोल कर सकती है, ये भी मत भूलो, हो सकता है वो एक क्या दो गोल करे, तो इसलिए मेरी टीम तो ये है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें देन बैट्यून, ये इसने तो हर स्ट्राइकर को पीछे छोड़ दिया भाई। इस लड़की ने जो 13 अप्रैल से गोल की शुरुआत की है वो 25 मई तक कंटिन्यू देखा, और जो मई के बाद जो मैचेस हुए उसमें भी बिट्यून की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, असिस्ट तो किया उस लड़की ने, चलो मैं कहता हूँ गोल नहीं किया लेकिन असिस्ट का भी तो एक रोल है भाई। उसके बाद हर्षफेल्ट शुरू में लिया था, ट्राई किया नहीं चली, उस इसकी जगह फिर मैंने एक बार रैडक्लिफ को भी ट्राई किया था तब भी नहीं चली। तो मैंने सोच लिया था कि WS की जो मिडफील्डिंग है ना, सिर्फ बिथ्यून अच्छी है, बाकी प्लेयर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो इसलिए वायरियान को ले ऑपोजिशन टीम में, और एक ज़बरदस्ती वाली प्लेयर आपको लेनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती मतलब मुझे पता है कि लेवल को कोई लेना नहीं चाहता भाई, मेरे पर ये मजबूरी है, इसको अब आपको लेना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरे को 3 मिडफील्डर लेने ज़रूरी हैं, 2 होते तो मैं डिफेंडर दिला देता। और डिफेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा मैक्यून को, मैक्यून के बाद जी कार्लिन क्रूगर, और जो लोग निश्वोंगर बोल रहे हैं, हाँ निश्वोंगर अच्छा खेल रही है, लेकिन अगर आप निश्वोंगर को लेते हो ना तो आपका क्लैश चांसेस है थोड़ा, तो अगर आप निश्वोंगर लेते हो तो आपको फिर जी कार्ले को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी जगह पर आपको 4 डिफेंडर लेनी पड़ेगी, भले वो बुटेल हो भले वो कोई भी हो, क्योंकि रिस्क देखो आप रिस्क लोगे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि क्लीन शीट क्या है, क्लीन शीट तो चलो यहाँ चांसेस कम है लेकिन यहाँ क्लैश के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप सेफ टीम बनाओगे, दैट्स वाई मैंने कार्ले को छोड़ा। एंड गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर चुपचाप बैरगर के साथ जाओ, चुपचाप भाई सिलेक्शन बेस मत देखो, क्योंकि बर्गर ही है जो WS की मेन स्ट्राइकिंग यूनिट को रोक सकती है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बिथ्यून, वाइस कैप्टन है ओसार, देन दिस इज़ माई टीम, नहीं रखना सार को तो आप चाहो तो स्टीवंस के साथ सेफ जा सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि हर मैच में रिस्क लो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।